रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास. टुडे वी हैव टू स्टार्ट अवर लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. क्लास टॉपिक क्या है हमारा? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड करंट कैरिंग सोलेनाइड. कि हमारे पास एक सोलेनाइड है तो उसके अंदर जो पास होने वाला करंट है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है हमने उसको फाइंड आउट करना है. तो इससे पहले हमारे पास कुछ टर्म्स हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं. तो देखिए क्लास, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है मैग्नेटिक फ्लक्स. देखिए क्लास, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? डेफिनेशन, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया. के हमारे पास कोई भी सर्टेन एरिया हो जिसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या फील्ड्स पास हो रही हो, वो उसका क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स. जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, कि अगर हमारे पास कोई भी सरफेस एरिया हो उसके अंदर से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही हो, वो उसका क्या कहलाता था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स. लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास? मैग्नेटिक फ्लक्स. कि हमारे पास अगर कोई भी सरफेस एरिया हो उसके अंदर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही हो, वो उसका क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा. देखिए क्लास, फॉर्मूला हमारे पास क्या है? साई एम इज इक्वल टू बी डॉट ए. बी हमारे पास क्या है क्लास? यहाँ पे बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड ए इज़ दी एरिया. तो देखिए क्लास, जब इसे ओपन करेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं? फाई एम इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ थीटा. तो देखिए क्लास, थीटा इज़ दी एंगल बिटवीन बी एंड ए. कि हमारे पास अगर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस तरह हो, तो देखिए क्लास, जो हमारे पास सरफेस एरिया हो उसको हम डिफरेंट तरीकों से इस मैग्नेटिक फ्लक्स में, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स में, फील्ड में रख सकते हैं. कि हमारे पास अगर कोई भी फील्ड हो, एरिया हो हमारे पास किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, तो देखिए क्लास, हमारा जो वेक्टर एरिया है वो वेक्टर एरिया इस सरफेस के ऊपर क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर होता है. तो देखिए क्लास, यहाँ पे अगर हमारे पास जो सरफेस एरिया हो इस इन मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के अगर परपेंडिकुलर हो, तो हमारा जो फ्लक्स है वो क्या है? मिनिमम होगा. लेकिन अगर हमारा जो वेक्टर एरिया हो तो इसके पैरेलल प्लेस हो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के, तो हमारा जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा. इसी तरह हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका यूनिट क्या है? वेबर. और वेबर हमारे पास फर्दर किसके इक्वल है? न्यूटन मीटर पर एम्पियर के इक्वल है. नेक्स्ट हमारे पास क्या टर्म है क्लास? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है? देखिए क्लास, डेफिनेशन, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. कि किसी भी सरफेस एरिया से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर हो, वो उसका क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. तो देखिए क्लास, फॉर्मूला हमारे पास क्या है? बी इज इक्वल टू फाई एम ओवर ए. ये हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है. ए इज दी एरिया. और यूनिट देखिए क्लास, हमारे पास क्या है इसका? न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर. दैट इज इक्वल टू वेबर इंटू मीटर स्क्वायर. दैट इज इक्वल टू टेस्ला. मीन से मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए हम ये तीनों यूनिट यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए क्लास, हमारे पास क्या है? एम्पियर्स ला. डेफिनेशन देखिए क्लास, सम ऑफ क्वांटिटीज बी डॉट डेल एल फॉर ऑल पाथ एलिमेंट इनटू विच द कंप्लीट लूप हैज़ बीन डिवाइडेड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इनक्लोज बाई द लूप. ये क्या है? सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज. कि हमारे पास फॉर ऑल पाथ एलिमेंट टू विच द कंप्लीट लूप हैज़ बीन डिवाइडेड. कि हमारे पास अगर कोई भी लूप हो उसको एन नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करें, और उस हर पार्ट की जो वैल्यू होगी बी डॉट डेल एल, उनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इनक्लोज बाई द लूप. कि टोटल जो हमारा लूप है उसके अंदर से गुजरने वाला करंट इंटू म्यू नॉट टाइम के क्या होगा? इक्वल होगा. इसको समझने के लिए हमारे पास क्लास क्या है? हमारे पास एक कोई भी सर्कुलर पाथ है जिसका क्या है? रेडियस आर है. और इसके अंदर से हमारे पास क्या है? कंडक्टिंग वायर इस लूप से पास हो रही है. अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा क्लोज लूप है इसको हम डिफरेंट पाथ में डिवाइड करते हैं, जिसकी हर पार्ट की जो लेंथ होगी वो क्या होगी? डेल एल होगी. और इसमें से पास होने इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा या मैग्नेटिक फील्ड होगी वो उसकी वैल्यू क्या होगी? बी होगी. अब देखिए क्लास, जब हमारा बी और डेल एल दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल होंगे
तब हम कह सकते हैं कि वहाँ पे हमारा करंट पास होगा और वहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, वो किसके इक्वल होगी, म्यू नॉट इंटू आई के इक्वल होगी। तो यही क्या है, इस पूरे क्लोज लूप को हम डेल एल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, सम ऑफ द क्वांटिटीज़ बी डॉट डेल एल फॉर ऑल पाथ एलिमेंट इन टू विच द क्लोज लूप हैज़ बीन डिवाइडेड। के क्लोज लूप को हम एन नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करें तो क्या होगा, दैट हैज़ बीन इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इन क्लोज बाई द लूप। वो किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट इन टू टोटल करंट इनक्लोज बाई दी लूप। इसे मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं, सम समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n के हमारे पास लूप की तादाद कितनी है, इंटू बी डॉट डेल एल दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। म्यू हमारा क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। देखिए क्लासेस की वैल्यू कितनी है, 4.2×10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर पर मीटर। अब देखिए क्लास अपने लॉन्गोसिन की तरफ आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इन साइड करंट कैरिंग सोलेनाइड। कि हमारे पास अगर कोई भी सोलेनाइड हो उसके अंदर से करंट पास हो रहा हो तो हम वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए क्लास हमारे पास सोलेनाइड क्या है, सोलेनाइड क्या है, हमारे पास सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ द वायर है जो कि क्या है, इस शेप में होती है, सोलेनाइड है। क्लास देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक क्लास सोलेनाइड है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर पाथ है जिसमें से हमने क्या कैलकुलेट करना है, अपना मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब देखिए क्लास इस सर्कुलर हमारे पास जो स्क्वायर है, जो हमारे पास बॉक्स है जिसकी वजह से हमने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इसकी फर्स्ट कर लेते हैं, इसको नाम दे लेते हैं ए बी सी एंड डी। इनकी लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, ए बी दैट इज इक्वल टू L1, बी सी दैट इज इक्वल टू L2, सी डी दैट इज इक्वल टू L3 एंड डी ए जिसकी लेंथ क्या है हमारे पास L4। तो देखिए क्लास ए बी इज इक्वल टू L1, बी सी इज इक्वल टू L2 एंड सी डी इज इक्वल टू L3 एंड डी ए इज इक्वल टू L4। अब देखिए क्लास यहाँ पे हमने क्या करना है, हमारे पास एक क्लोज लूप है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना एम्पियर्स ला अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग एम्पियर्स ला। अब देखिए क्लास हमारे पास यहाँ पे 4 पाथ्स हैं, L1, L2, L3 एंड L4। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, I इज इक्वल टू 1 to 4, बी डॉट डेल एल इज इक्वल टू म्यू नॉट करंट इनक्लोज, कि हमारे पास इसमें जो करंट इनक्लोज है वो लेंगे। अब देखिए कि क्लास हमारे पास यहाँ पे क्योंकि 4 लूप हैं तो हमारे पास बी डॉट डेल एल की वैल्यू क्या होगी, 1, 2, 3, 4, और इनको क्या कर लेंगे, सम अप कर लेंगे क्योंकि हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, समेशन दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू इनक्लोज करंट। और क्लास हमारे पास फर्स्ट पाथ जो है वो क्या है, ए टू बी, सेकंड पाथ हमारे पास क्या है, बी टू सी, थर्ड पाथ हमारे पास क्या है, सी टू डी एंड जो लास्ट पाथ है वो हमारे पास क्या है, डी टू ए दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू करंट इनक्लोज, जिसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। तो देखिए क्लास हमारे पास जो फर्स्ट पाथ है उसके हमारे पास जो एम्पियर्स ला है उसको कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू बी डॉट एल एल फॉर द फर्स्ट पाथ ए बी दैट इज इक्वल टू बी डॉट L1 के हमारी जो लेंथ है अलॉन्ग द पाथ ए बी वो हमारी क्या है L1 है दैट इज इक्वल टू। अब देखिए क्लास क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो हमारी बी की वैल्यू है यहाँ पे दैट इज़ अलॉन्ग दी लेंथ L1 मीन टू से बी और L1 के दरमियान हमारा एंगल कितना है 0, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी बी इंटू L1। सेकेंड पाथ बी सी के लिए हम कैलकुलेट करते हैं बी डॉट डेल एल इज इक्वल टू बी L2 cos ऑफ 90। अब देखिए क्लास L2 हमारी क्या है, B के परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे हमारे पास एंगल कितना बनेगा दोनों में 90 का, तो हमारे पास क्लास cos ऑफ 90 0 वैल्यू देता है तो ये हमारी टोटल टर्म क्या हो जाएगी 0। इसी तरह हमारे पास थर्ड पाथ के लिए बी डॉट डेल एल इंटू सी डी दैट इज इक्वल टू, अब देखिए क्लास हमारे पास यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है 0 है क्योंकि जो हमारा ये पाथ है थर्ड पाथ ये क्या है आउट ऑफ द सोलेनाइड है, तो आउट ऑफ द सोलेनाइड जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या होगी 0 होगी। इनसाइड द सोलेनाइड हमारे पास बी की वैल्यू मैक्सिमम, लेकिन आउटसाइड हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ही वीक होती है, ना होने के बराबर होती है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है 0 दैट इज इक्वल टू 0। फोर्थ पार्ट के लिए हम देखते हैं बी डॉट एल एल फॉर डी ए दैट इज इक्वल टू बी इंटू L4, क्योंकि ये हमारा पाथ जो है किसकी लेंथ क्या है L4
कॉज ऑफ 90। तो देखिए क्लास, यहाँ पे हमारे पास बी और एल फोर के दरमियान क्या है, 90 का एंगल है, तो ये भी वैल्यू क्या देगा, ज़ीरो, क्योंकि कॉज ऑफ 90 क्या है, ज़ीरो। इन सब की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, क्योंकि ये नंबर वन में पुट करेंगे। तो देखिए क्लास, बी एल वन प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो, क्योंकि हमारे पास जस्ट मैक्सिमम वैल्यू आई है फॉर पाथ ए बी, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इन टू ट्रेंट इन क्लोज। अब देखिए क्लास, यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर वन का नाम दे लेते हैं, हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए क्लास, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनाइड, कि हमारे पास कितनी टर्न्स हैं सोलेनाइड की, एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ। अब देखिए फॉर लेंथ एल वन, कि हमें जस्ट एल वन के लिए कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर लेंथ कितनी आ जाएगी इसकी, नंबर ऑफ टर्न्स एन इंटू एल वन। तो देखिए क्लास, करंट इनक्लोज बाई दी लूप, कि इस लूप में से करंट जो गुजरने वाला करंट है वो किसके इक्वल होगा, एन इंटू एल वन इंटू आई। तो यहाँ पे इनक्लोज करंट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एन एल वन इंटू आई। तो देखिए क्लास, यहाँ से हमारे पास एल वन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, बी इज इक्वल टू प्यू नॉट एन इंटू आई। बी हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि क्या है, इनसाइड करंट कैरिंग सोलेनाइड, के हमारे पास सोलेनाइड है, उसमें से एक पास होने वाले करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ये उसकी वैल्यू है। इसको हम फर्दर भी लिख सकते हैं, एन इज इक्वल टू एन ओवर एल, ये एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनाइड की, और एल हमारे पास क्या है, लेंथ है। तो इसे हम लिख सकते हैं, फाइनल रिजल्ट हमारा क्या है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई। इसको फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट एन ओवर एल इंटू आई। राइट हैंड रूल के जरिए हम इसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, फिंगर कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ, कि हमारे पास जो सोलेनाइड है उसे अगर हम राइट हैंड के जरिए पकड़ें तो क्या होगा, फिंगर कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कि जो हमारी फिंगर की जो कर्ल्स होंगी वो किसको शो करेंगी, करंट को शो करेंगी, एंड थम विल बी पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, कि जो हमारा थम होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। दैट्स इट, थैंक यू।